नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे एग्जाम्स। और गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे गाइस। जैसे कि कोरोना वायरस काफ़ी चल रहा है इंडिया में, आपने सुना है, बहुत इसकी महामारी घोषित कर दिया गया है। तो आप लोग अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से गाइस बचें, और अगर कभी इमरजेंसी में अगर आप लोगों को जाना पड़ रहा है तो मास्क वगैरह आप लोग कैरी करें, है ना, और जो प्रावधान बताए जा रहे हैं बचाव के लिए उन सबको फॉलो करते रहिए। और गाइस आपको लोगों को बता दें कि 20,000 स्पेशल क्लासेस का आप लोगों के लिए प्रावधान किया गया है अन अकेडमी की तरफ से। तो 20,000 स्पेशल क्लासेस आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी गाइस। आप लोग अपना घर बैठ के आराम से तैयारी कीजिए, स्पेशल क्लासेस 20,000, ठीक है ना। तो इसमें गाइस आपको बता दें, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दें कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा करंट अफेयर के ऊपर, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अभी जैसे कि CHSL के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसमें जो करंट अफेयर पूछी जा सकती है उसको भी थोड़ा पॉइंट आउट हम कर रहे हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा आखिरी तक, ताकि एक भी पॉइंट आपका छूट ना जाए। उससे पहले आपको बता दें सेशन स्टार्ट करने से पहले कि पिंकी सरोहा मैम जो करंट अफेयर और इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं गाइस, और नेहा मलिक मैम है ये इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, और नीतू ढाका मैम है ये जीएस सब्जेक्ट इसमें पढ़ाती हैं। और इसी तरीके से इंडिया के टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं गाइस इस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। ये आप मुझे देख पा रहे होंगे, मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा है, मैं आप लोगों को जीएस सब्जेक्ट के साथ में करंट अफेयर सेगमेंट आपके कवर करूंगा गाइस। आप एक ही सब्जेक्ट के कई सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल हैं, तो आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको बता दें गाइस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन कुमार शर्मा, और मैंने मास्टर डिग्री की है गाइस इग्नू से, और मैंने बीकॉम किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से गाइस। एंड एज ऑफ नाउ आई हैव मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस, और मैंने लगभग 1000 बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, जिसमें से बहुत बच्चे अपने डिजायर पोस्ट पर सेलेक्ट हैं, चाहे वो SSC के एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम हो, या आपके पुलिस के एग्ज़ाम हो। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं इसमें, तो उम्मीद करेंगे आपके लिए भी रिजल्ट अच्छा रहेगा। तो आपको बता दूंगा इसकी मैं इसमें जीएस सब्जेक्ट, करंट अफेयर, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट मैं बहुत अच्छे से कवर करवाता हूँ। तो आप उम्मीद करेंगे कि आप लोगों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे, है ना। आपको बता दें कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो ये रहेगा कि करंट अफेयर के ऊपर जितनी MCQs है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पे 4:30 मॉर्निंग में आप लोगों के लिए करंट अफेयर सेशन मैं ला रहा हूँ डेली बेसिस पे। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको फॉलो करते चल रहे होंगे, एक भी दिन का करंट अफेयर आपका नहीं छूटेगा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है गाइस पढ़ेंगे वही जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है ना। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें, जैसे कि मैंने बताया 20,000 स्पेशल क्लासेस का प्रावधान किया गया है, उसके साथ में आप अपने फेवरेट एजुकेटर से तो पढ़ ही सकते हैं, है ना। तो जितने भी सिलेबस को कंप्लीट करवाते हुए, पूरा कंप्लीट सिलेबस का प्रावधान है इसके अंदर, लाइव सेशन रहेंगे गाइस। आपको कोई डाउट है उसके डाउट के सेशन हैं, और आप इसमें सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। जैसे अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे एक्सेस आपको 2 ईयर के लिए ऑल जितने टॉप एजुकेटर हैं सबके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हो जाते हैं उसी सब्सक्रिप्शन के अंडर में, है ना। तो थोड़ा सा आपको बता देते हैं फिर सेशन स्टार्ट करते हैं गाइस। तो आप अन अकेडमी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, क्रैक SSC एग्जाम्स विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है गाइस, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डेली लाइव सेशन, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, आपको बता दें अनलिमिटेड एक्सेस है जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कैसे है कि गाइस कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, अन अकेडमी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, और अन अकेडमी की लर्निंग ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में प्ले स्टोर से। अपना गोल आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, जितने भी आपके अपकमिंग कोर्सेज हैं, है ना, चाहे वो क्रैश कोर्स हो, चाहे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हों, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सॉरी तो जितने टेस्ट सीरीज हैं, जितने टॉपिक हैं, यानी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप सबके एक्सेस आपको मिल जाएंगे गाइस। और मैंने जैसे कि बताया टॉप एजुकेटर इंडिया के, जो अक्रॉस द इंडिया जितने टॉप एजुकेटर हैं, आप उनसे पढ़ पाएंगे घर पे आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम। चाहे जो भी आपको दिक्कत आए, आप डाउट लाइव सेशन में अपनी दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। और आप करेंगे क्या इसमें, सबसे पहले अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। तो ये जो एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, तो जो भी आपका गोल है, आप SSC जैसे आपका एग्ज़ाम है और आप बैंक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, BPS हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया, यानी जो भी आपका गोल है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके साथ में आप सब्सक्रिप्शन जब ले रहे हैं, जैसे आपने SSC अपना एग्ज़ाम सेलेक्ट किया है, तो SSC एग्ज़ाम के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप 12 मंथ का लेते हैं तो आपको 6,000 का पैकेज रहता है गाइस। आप मेरा ये कोड यूज़ कीजिएगा LiveNK, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यानी 5,400 ही आपको देने होंगे इसके अंदर, है ना। अगर इसी तरीके से आप 24 मंथ का लेते हैं तो 7,800, और मेरे
इस कोड के बाद 10% डिस्काउंट के बाद आपको 7020 रुपीज़। गाइज थिंक अबाउट इट कि पूरे साल में अगर पर मंथ का देखा जाए तो आपके लिए जो 7020 रुपीज़ का जो पैकेज है 24 मंथ के लिए, मंथली देखिए कितना रिजनेबल प्राइस हो जाता है आप लोगों के लिए। आप आराम से पढ़ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और बाकी जो लाइव सेशन रहेंगे आप लोगों के लिए, स्पेशल क्लासेस रहेंगी, वो सारी आपको इसमें मिलती रहेंगी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आपने 12 मंथ का सेलेक्ट किया या 12 मंथ का सेलेक्ट किया है तो लाइव एन के आप मेरा मेंशन कीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। 6000 का पैकेज आप लोगों को 5400 का इसमें मिल जाएगा गाइस, ठीक है। तो इसमें जो आज का सेशन रहेगा हमारा गाइस, करंट अफेयर के ऊपर जो MCQs रहेंगी आज की हमारी, उसी के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए जो हम सेशन स्टार्ट करने चल रहे हैं। पेन कॉपी मैंने जैसे कि आपको बताया हुआ डेली बेसिस पे कि आप अपनी एक करंट अफेयर की कॉपी बना लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो करंट अफेयर की कॉपी बना लीजिएगा, करंट अफेयर 2020 मेंशन करके। डेली बेसिस पे जो जो मैं सेशन ले रहा हूँ उसको फॉलो करते चले, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाली है गाइस, ठीक है। सॉरी। और देखिए सबसे पहले बात करते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस बोला जा रहा है गाइस, आपको बता दें 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है ना। आपकी जानकारी के लिए 10 जनवरी 1976 में पहली बार विश्व हिंदी दिवस भारत के नागपुर क्षेत्र में मनाया गया था, भारत में नागपुर में मनाया गया था, है ना। इसमें 30 देशों ने भाग लिया था। 10 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ था ये, तभी से लेके अब तक विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर आपसे यहीं पे पूछा जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो गाइस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा हिंदी को घोषित कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में वर्ष 2020 का पहला चंद्र ग्रहण किस दिन दिखाई देगा। 2020 का यानी ये जनवरी का समय निकल चुका है तो कब दिखाई देगा ये आप ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी इसका आंसर है। यानी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया तो 2020 का पहला चंद्र ग्रहण 10 जनवरी को ही दिखाई दिया है, आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये भारत समेत यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका के कई देशों में ही दिखाई दिया। तो भारत में वर्ष 2020 का जो पहला चंद्र ग्रहण रहा वो 10 जनवरी को रहा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, है ना। मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू के निर्देशक कौन है, देखिए डायरेक्टर मूवी पूछ लिया गया है तो ध्यान रखेंगे। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है जैसे अभी CHSL का चल ही रहा है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इनके हैं राहुल ढोलकिया शाबाश मिट्ठू के निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, है ना। तो मिताली राज की बायोपिक बनाई गई है, इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2020 में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय नौसेना कार्यक्रम मिलन की मेजबानी कौन से भारतीय शहर में की गई है। तो गाइज ये विशाखापट्टनम में की गई है, आपको बता दें आंध्र प्रदेश में लोकेशन है विशाखापट्टनम, यहाँ पे विशाखापट्टनम है जहाँ पे ये आयोजित हुआ है, जहाँ पे ये इसकी मेजबानी करी जाएगी मार्च 2020 में। तो विशाखापट्टनम आप लोग ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये नौसेना का एक बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास रहेगा, तो ये भारत ये मिलन नाम से रहेगा, तो भारत के विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नाबालिग आरोपी के मामलों में कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त केसों को जघन्य की बजाय गंभीर अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइस आदेश दे दिया, तो 7 ऐसे गंभीर अपराध हैं जिनको इन्होंने इसमें रखने के लिए आदेश दिया है। बेसिकली 16 से 18 साल की उम्र के बीच के लोग, नाबालिग ने अगर कोई जघन्य अपराध किया है तो उसका मामला बालिग की तरह ही चलेगा। तो 16 से 18 साल के जो नाबालिग जिनको कहा जा रहा है, अगर ये कोई जघन्य अपराध कर रहे हैं तो उनको बालिग की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, है ना। पहले क्या होता था कि कोई अगर इस एज ग्रुप में कोई जघन्य अपराध कर रहा है तो उसको फिर एज ए किशोर मानते हुए उसको काफ़ी रियायत बरती जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है इनके लिए कोई रियायत नहीं रहेगी। तो 7 आपका आंसर रहेगा, ठीक है। आपसे पूछा गया कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त,
कितने वर्ष से कम सजा प्राप्त हो, 7 वर्ष से कम सजा प्राप्त, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी ने भारत के महिला भारोत्तोलक सर्वजीत कौर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया है। कहीं देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, भारतीय महिला हैं भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं सर्वजीत कौर, इन पे 4 वर्ष का नाडा ने, जो नाडा जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसने क्या किया है, 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है, आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में हुए एक नए अध्ययन में पूर्वी भारत और किस देश के क्षेत्र में बहने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी के डेल्टा का जल स्तर सदी के अंत तक 1.4 मीटर तक बढ़ने का अनुमान है। तो किस क्षेत्र की बात हो रही है गाइस, पाकिस्तान की तरफ गंगा नहीं जाती है जानते हैं, नेपाल की तरफ नहीं जाती है, श्रीलंका की तरफ नहीं जाती, तो ऑप्शन से निकाल लीजिएगा अपना आंसर। तो ये बांग्लादेश आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 1.4 मीटर तक इसके बढ़ने का अनुमान है इसके जल स्तर के। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना ये सारी आपकी बांग्लादेश में जाके प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, फाइनली जो है। अगला देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों में इंटरनेट सेवा तुरंत बहाल करने और सभी पाबंदियों को कितने दिन में समीक्षा करने का आदेश दिया है ना। तो भाई 7 दिन इसका भी आंसर है, 7 दिनों के लिए कर दिया गया, 1 सप्ताह के लिए बेसिकली, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किसे जज के पद पर नियुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल विलियम बर ने शिकागो के लिए किस जज को, किसे जज के पद पर नियुक्त किया है तथा वे भारत के गोरखपुर से संबंध रखती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, सामिया नसीम है ये, गोरखपुर की निवासी हैं बेसिकली सामिया नसीम, है ना। तो इनको वहाँ के जज के लिए अपॉइंट किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि भारतीय महिला है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अम्मा वोडी की शुरुआत की है। गाइस देखिए, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में जो जैसे माँ बोलते हैं तो माँ को अम्मा भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो साउथ इंडिया में मध्य प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, तो कौन है फिर, आंध्र प्रदेश आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आप लोग ऑप्शन से भी निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो अम्मा वोडी योजना की शुरुआत की गई है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। बेसिकली इस योजना का जो उद्देश्य है वो लाखों जरूरतमंद गरीबों को, उनकी माताओं, उनके बच्चों को शिक्षित करने के लिए सहायता देने के लिए बेसिकली अम्मा वोडी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है। कहीं जो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बिल आया है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया है, वो है केरल। केरल ने चुनौती दे दी है गाइस, तो आप ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग संविधान के टॉपिक में समझ रहे होंगे, संविधान का भाग दो है, भारतीय संविधान का भाग दो रहेगा, जहाँ पे हम इसको बहुत विस्तार से समझ रहे होंगे। संविधान का भाग दो में लिखा हुआ है नागरिकता, सिटीजनशिप, तो वहाँ पे हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति को देशद्रोह का दोषी मानकर उन्हें मौत की सजा सुनाने वाली विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दे दिया है। गाइस बहुत चर्चा में चल रहे हैं, इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, ये हैं परवेज मुशर्रफ, अब इनको बेसिकली बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो आप ध्यान रखेंगे, परवेज मुशर्रफ हैं जो पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इन पे बेसिकली देशद्रोह का मामला चल रहा था, तो फिर फाइनली इनको असंवैधानिक करार कर दिया गया, यानी इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, ठीक है ना। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात आ रही है गाइस, तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट होता है ना। स्वामी विवेकानंद, अभी कुछ दिन पहले लेक्चर में मैं बात कर ही रहा था, स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मनाते हैं, इनकी जयंती के अवसर पर 12 जनवरी को, है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। गाइज ये तो MCQs आपके हैं करंट अफेयर के, आप पूरे कोर्स को परचेस कर सकते हैं जिसमें आपको पूरे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेंगे, 24 मंथ का अगर ले रहे हैं, 12 मंथ का ले रहे हैं, तो जितने भी फेवरेट टॉप एजुकेटर अवेलेबल हैं, जितने भी उनके कोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे एक्सेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया 20,000 आप सभी के लिए 20,000 स्पेशल क्लासेस का प्रावधान किया गया है गाइज, जस्ट बिकॉज फॉर यू गाइज की जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है,
तो इसके लिए आप लोगों को पता है कि बाहर ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है आप लोगों को, है ना। आप अभी कुछ समय के लिए घर पे आराम से घर बैठ के पढ़ाई करें, कहीं बाहर आने जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। अभी ध्यान रखें अपना अपनी फैमिली का। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश के सुल्तान कबूस बिन सैद का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो गाइज ये ओमान के सुल्तान रहे हैं कबूस बिन सैद, 79 की एज में इनका देहांत हो गया। ऐसा बताया जाता है कि 1970 में ब्रिटेन की मदद से यहाँ पे तख्ता पलट हो गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उस समय मौजूद रहे थे। कबूस बिन सैद 79 वर्ष की एज में इनका देहांत हुआ है और ये ओमान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने घोषणा किया है कि उसके द्वारा गलती से और अनजाने में एक यूक्रेनी बोइंग 737-800 विमान को निशाना बनाया गया गलती से। गाइज ये ईरान की तरफ से हुआ था, है ना। बेसिकली ऐसा बताया जा रहा है कि इसके चलते अमेरिका और ईरान के बीच में काफ़ी तनाव वाली स्थिति भी आ गई है, तो ये ईरान आपका आंसर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन कैफी आजमी की, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। देखिए जब आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा तो जब पेपर में आता है प्रश्न तो आप लोगों को लगता है पता नहीं कहाँ से पूछ लिया है, तो कहीं ना कहीं आप डेली सेशन फॉलो कर रहे हैं, अगर रेगुलर क्लास में बने हुए हैं तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो किस दिन कैफी आजमी की 101वीं जयंती मनाई गई है, तो गाइस 14 जनवरी 2020 को इनकी जयंती मनाई गई। बेसिकली भारत के प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं ये और गीतकार भी रह चुके हैं, तो इनकी 101वीं जयंती मनाई गई है 14 जनवरी को, ठीक है ना। तो आपने एक फिल्म देखी होगी पाकीज़ा, या नाम सुना होगा, उसमें गाना था चलते चलते, अगर आपको ध्यान हो, है ना। तो बेसिकली इन्हीं के द्वारा वो लिखा गया है गाना कैफी आजमी, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, ईरान की एकमात्र महिला ओलंपिक पदक विजेता का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में देश छोड़ने की घोषणा कर दी है। वहाँ पे इतने तनाव की स्थिति चल रही है गाइस, इन्होंने देश छोड़ने की बात कर दी। इनका नाम है कीमिया अलीजा दे, है ना। ये ईरान की एकमात्र महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता है। तो आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किस देश की एकमात्र महिला रही हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है, तो वो ईरान है, और ईरान की उस महिला का नाम कीमिया अलीजा दे, आप नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने भी हाल ही में बोल दिया कि मुझे अब देश छोड़ना है, तो चर्चा में चल रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल दिया गया गाइस, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, इसका नाम पूछा जा सकता है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, तो इसका नाम रख दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको बता दें 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो आगे चल के भारतीय जनता पार्टी बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कीजिएगा कि 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनसंघ की स्थापना करी थी, और आज इसी का नया रूप है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसी पार्टी से हमारे समय भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, है ना। तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदल के रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई के पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस क्रिकेटर की बात हो रही है, बीसीसीआई का एक पुरस्कार है, अवार्ड है पॉली उमरीगर, तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को ये दिया गया है। बेसिकली ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है बीसीसीआई का, जो एक बेहतर सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज को दिया जाता है, तो जसप्रीत बुमराह को ये मिला है, आप लोग इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली वही है कि गेंदबाजी में जो बेहतर प्रदर्शन कर रहा है उसको ये दिया जाएगा, उसके लिए चुना जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों से कितनी तारीख तक रजिस्ट्रेशन करा लेने के लिए कहा है। अभी देखिए, अभी पुलवामा अटैक का मामला लास्ट ईयर चर्चा में रहा था, तो उस समय ड्रोन की काफ़ी मदद ली गई, तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कितने बेसिकली भारत सरकार द्वारा देश में ड्रोन रखने वाले सभी लोगों को कितनी तारीख तक, ये तारीख ध्यान रखनी है कि भैया रजिस्ट्रेशन करवा लो कि आपके पास ड्रोन है या नहीं है। तो ये 31 जनवरी तक इन्होंने कहा था, 31 जनवरी तक का प्रावधान था कि आप अपनी स्वेच्छा से पंजीकरण करवा लीजिए, नहीं तो आगे फिर उसके विरुद्ध कोई ना कोई प्रावधान रखा गया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि 31 जनवरी इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है।
ठीक है गाइज, आज के लिए इसमें इतना रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप देख पा रहे होंगे डेली बेसिस पे कितनी हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए ला रहे हैं। और लेट्स क्रैक एसएससी रेलवे एग्जाम, आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ठान लीजिएगा कि लेट्स क्रैक इट, इस बार हमें एग्ज़ाम निकाल देना है इसी एटीट्यूड के साथ में, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन ओके करना नहीं भूलिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड जरूर यूज़ कीजिएगा गाइज, लाइव NK, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो आप लोग, तो कमेंट करना नहीं भूलिएगा, आई विल रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली। और टेलीग्राम का चैनल गाइज ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें जितनी लेटेस्ट अपडेट हैं, जितने अपकमिंग वीडियोज हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को मिलती रहेंगी, है ना। सारी जानकारी आपको इसके थ्रू मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेशन हम अपलोड करते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। जय हिंद, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें, बाय बाय।